नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए बेहद ही दुखद खबर बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कई दिनों से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी मुठभेड़ जारी है, जिसमें उत्तराखंड के 4 जवान आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे में पूरा उत्तराखंड शोक में है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को हर संभव मदद देने की बात कही है। जहां पूरा देश बीते दिनों दशहरे पर्व की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं सीमा पर आतंकियों से लड़ते हुए कई घरों के चिराग बुझ गए। आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर में 9 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, जिसमें से उत्तराखंड के 4 जवान भी हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में गुरुवार शाम से काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जारी किया गया था। इस दौरान भारी गोलीबारी हुई। ऐसे में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 17 गढ़वाल राइफल में तैनात टीरी गढ़वाल निवासी 26 साल के शहीद राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और चमोली जिले के 27 साल के राइफलमैन युगम्बर सिंह घायल हो गए थे, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं शनिवार को शहीदों का पार्थिव शरीर उनके गाँव पहुंचा। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को आतंकियों से भाटा दूड़िया के नाड़ खास जंगल में मुठभेड़ के दौरान टीरी निवासी सूबेदार अजय रौतेला और पौड़ी निवासी नायक हरेंद्र सिंह लापता हो गए थे, जिसके लिए सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं शनिवार शाम को सेना ने दोनों शवों को जंगल से निकाल दिया। आपको बता दें कि सूबेदार अजय रौतेला 17 गढ़वाल राइफल में थे और वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल 48 में वो जम्मू कश्मीर में तैनात थे। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद सेना ने आतंकवादियों पर हमले तेज कर दिए, जिसमें कई आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। साथ ही आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सोमवार से आतंकियों ने कायरतापूर्ण हमले करते हुए 9 जवानों को शहीद किया है। वहीं उत्तराखंड के 4 जवानों के शहीद होने पर मुख्यमंत्री धामी ने चारों जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक जताया और शहीद के परिजनों को हर संभव मदद देने की बात कही है। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, हमारी सरकार पूरी तरह से उनके साथ में खड़ी है। उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है और हमने ये भी निश्चय किया है कि हम परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ऐसे छात्र छात्राएं जो इंजीनियरिंग का कोर्स तो करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भागीरथी इंस्टीट्यूट लोहाघाट के द्वारा पे आफ्टर प्लेसमेंट की शुरुआत की गई है। यानी ऐसे छात्र छात्राएं जो अभी फीस देने की स्थिति में नहीं है, उन्हें कोर्स पूरा करने के बाद जॉब मिलने पर ही फीस देनी होगी। यहाँ पर अभी 3 कोर्सेज कराए जा रहे हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए अलग हॉस्टल की सुविधा भी है। एडमिशन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।